किराए के भवन और खंडरनुमा इमारत में स्कूल लगना तो सुना ही होगा, लेकिन रायसेन जिले में एक ऐसा सरकारी मिडिल स्कूल है जो रास्ते के बीच लगे बरगद के पेड़ के नीचे लगता है। देखिए, ये कोई गुरुकुल की व्यवस्था वाला स्कूल नहीं, ना ही वानप्रस्थ आश्रम का स्कूल है, बल्कि ये तो मजबूरी की क्लास है जो कई सालों से इसी बरगद के पेड़ के नीचे लग रही है। देखिए कैसे बरगद के पेड़ के नीचे बच्चे शिक्षा का ज्ञान लेने को मजबूर और जिम्मेदार एसी लगे दफ्तरों में ऐश कर रहे हैं। हमारे पास क्या है कि 8 क्लास हैं और 3 हमारे पास मात्र कमरे हैं, हम शिक्षक भी अभी 4 हैं, तो हमारे पास पढ़ाने के लिए वहाँ अंदर व्यवस्था नहीं, तो हम इसलिए मजबूरन हमें बरगद के पेड़ के नीचे पढ़ाना पड़ता है। सर, कब से पढ़ा रहे हैं हम बरगद के पेड़? मैं आया जब से, हमारे पास 3 शिक्षक हुए और 2 शिक्षक हुए, हमारे पास जब भी कमरे कम पड़ते तो हम बाहर कक्षा लगाना प्रारंभ कर देते हैं। रायसेन जिले के उदयपुरा की ग्राम पंचायत डुंगरिया जागीर में ये सरकारी स्कूल जर्जर भवन और बरगद के पेड़ के नीचे लग रहा है और बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ने को मजबूर है, क्योंकि इल्जाम है कि स्कूल की नई इमारत का पैसा सरपंच डकार गया है। जिला प्रशासन को इसकी खबर है, लेकिन सब मूक दर्शक बने हुए हैं। ये तो सर 5-6 साल से बरगद के नीचे लगा रहा है मास्टर लोग, और क्या बिल्डिंग नहीं है, एक पुरानी बिल्डिंग थी तो घिसल रही है, तो कुछ बच्चे वहाँ में क्या बच्चों की तादाद ज्यादा हो गई, बनते नहीं है, तो आधे बच्चे इधर बैठा रहते, कुछ स्कूल के सामने बैठा लेते हैं मास्टर लोग, और एक बिल्डिंग आई थी हमारे गाँव में नई, वो बन नहीं पाई, उसका पैसा खा गए सच में सरपंच। और जो नई बिल्डिंग आई है वो बन नहीं पा रही, का कारण से रुक रही है, 8-9 साल हो गए उसे, ससर वो सरपंच उन्होंने उसकी राशि खा ली, और शिकायत सीएम विधायक जहाँ जहाँ तक देना था दे दिया, और गांव बस्ती वालों ने सबने जूल लगाया, मन कोई सुनवाई नहीं हो रही। 2011 में स्कूल की बिल्डिंग मंजूर हुई थी, लेकिन निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत ने गबन किया, जिससे बिल्डिंग अधूरी है। सभी अधिकारियों को जानकारी है और एजुकेशन पोर्टल पर भी निर्माणाधीन बिल्डिंग है, लेकिन शिक्षा मंत्री जी कहते हैं आपके माध्यम से जानकारी हुई है, हम जांच कराएंगे। हम मुझे आप लोगों ने जानकारी दी है, मैं उसकी पूरी जानकारी लूंगा, उसकी जाँच कराऊंगा, अगर उसमें कोई गड़बड़ी हुई है तो जो भी दोषी लोग होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बिल्डिंग ना हो पाने और खंडहर नुमा पुरानी इमारत होने का खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ता है। बारिश के दिनों में तो इनकी क्लास तक नहीं लग पाती, लेकिन किसे फर्क पड़ता है जनाब, यहाँ तो कागजों में स्कूल बनते हैं, कागजों में अस्पताल, जमीनी हकीकत जानने की फिक्र किसे है। देवराज दुबे, न्यूज 18 रायसेन।